रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. तो क्या किया, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो मैंने क्या सिखाया, इसको मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम. एम इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम, पी पी स्क्वायर बाई टू एम. ये फॉर्मूला सबको क्लियर है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्लियर है. अब इसके बेस पे क्वेश्चन है, सॉल्व करो. इफ परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज 20%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन. कितना नहीं, फोर्टी फोर आंसर. देखो ये बताओ, केस नंबर वन देखो प्लीज, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. केस नंबर वन, एनर्जी पहले के थी, मोमेंटम पहले पी था, तो ये पहला केस क्लियर है. बाद में क्या हुआ, मोमेंटम इंक्रीज हो गया, कितना, 20% इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया, 120/100 इंटू पी हो गया, तो पी डैश की वैल्यू क्या होगी, 6/5 इंटू पी हो गई, मोमेंटम आ गया. तो नई काइनेटिक एनर्जी केस नंबर टू में, नई काइनेटिक एनर्जी के डैश क्या हो गई, पी डैश स्क्वायर बाय 2m. तो नई काइनेटिक एनर्जी पी डैश कीजिएगा 6/5 इंटू पी का स्क्वायर बाय 2m. नई काइनेटिक एनर्जी आ गई, आपको क्या निकालना है, इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू न्यू काइनेटिक एनर्जी के डैश माइनस ओरिजिनल अपॉन के इनटू कितना, 100. के डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 6/5 इनटू पी का स्क्वायर बाय 2m. पुरानी काइनेटिक एनर्जी हमें पता है पी स्क्वायर बाय 2m डिवाइडेड बाय, पुरानी काइनेटिक एनर्जी क्या है, पी स्क्वायर बाय 2m इनटू कितना, 100. तो पी और एम हर जगह कैंसिल, चेक करो आंसर 44% के आसपास है. अब इस क्वेश्चन के अंदर ना कई लोग कहते हैं कि सर मेरा आंसर 25% आया, चलो गलत हो गया कोई बात नहीं, कोई कहता 12% आया, तो एटलीस्ट मेरे पास एक तरीका है, मैं 2 सेकंड में सिर्फ ये बता सकता हूं कि अप्रोक्सीमेट आंसर क्या है, देखते बिना पेन को हाथ लगाए कि 40 की रेंज में आंसर आएगा, इतना बता सकता हूं. और अगर मैं इतना भी बता गया तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट तो हो ही जाएंगे, हो सकता 3 भी हो जाएं और एक आंसर फटाफट निकल आए. तो एक शॉर्टकट भी देख लें इसका, पर यह शॉर्टकट एग्जैक्ट मैथड नहीं है, एक्चुअल मैथड यही है. प्लीज अगर आपके स्कूल में सब्जेक्टिव आएगा यही करना, अगर आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है तो यही करना, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पहले मेरा मेथड लगाना, हो सकता है एक गो में ही 2 सेकंड में आंसर आ जाए, बात बन जाए, नहीं बने तो ये आंसर तो फिर भी करना ही है, बात ही खत्म. पर एटलीस्ट आपकी 2 ऑप्शन एलिमिनेट तो पक्का करेगा ये मेथड. कैसे,
आप एक काम करें, शॉर्टकट में क्या करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m लिखें। आपको क्या गिवन है, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम कितना 10%, ऐसे लिख दूं डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 इज 10%। एक ही बात है, डेल्टा पी क्या होता है, पी टू माइनस पी वन, तो यानी कि दिस इज फ्रैक्शनल इंक्रीज इन मोमेंटम और 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब परसेंटेज इंक्रीज। एरर का रूल लगा दो, एरर याद है, एक्सपोनेंट डेल्टा के बाय के इज 2 इनटू डेल्टा पी बाय पी, मास तो चेंज ही नहीं होता, 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई, ये लो 2 इनटू डेल्टा पी बाय पी इनटू 100, तो इसका परसेंटेज चेंज क्या गिवन है 20%, तो आंसर क्या आ गया 40। प्लीज ये मेथड अप्रोक्सीमेट है, आंसर एग्जैक्ट नहीं देगा, पर ये तो बात पक्की है 25% को एलिमिनेट तो कर ही देगा, तो कम से कम 25 तो आंसर नहीं है, 40 है। तो आपको पेन भी क्या हाथ लगाना, पता ही है पावर 2 है, तो 2 इंटू 20 40, आंसर 40% के आसपास आएगा। अब कभी कभी ऑप्शन बनाने वाला ज्यादातर एक ऑप्शन देगा बहुत दूर दूर देता है, 10% 20% या 25%, नेक्स्ट देगा 34%, नेक्स्ट देगा 44%, कुछ भी। तो देखो यार, तो कम से कम दो ऑप्शन एलिमिनेशन तो चलती है इसमें, और किस्मत अच्छी हो तो कभी कभी तीन भी चलती है, देखते ही आंसर आ जाता है। तो अच्छा मेथड है, बुरा नहीं है, पर एग्जैक्ट मेथड नहीं है। स्कूल में अगर कोई पूछे किसने सिखाया, मैंने नहीं सिखाया, मैंने वही सिखाया है। भाई कोई पूछ ले, मन में रखना अपने ही ऐसे कैलकुलेशंस, पर लेकिन एग्जैक्ट मेथड कोई नहीं है, ये कोई किताब सिखाएगा नहीं। ठीक है, तो ये मेथड क्लियर है। अच्छा, इसी का उल्टा क्वेश्चन, सपोज लिखो एग्जांपल, इफ परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 300%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। तो क्या निकाल, डेल्टा पी बाय पी इनटू 100, शॉर्टकट मत लगाना प्लीज, एग्जैक्ट मेथड ही लगाना है, शॉर्टकट बहुत बेकार आंसर देगा इसका, तो आप प्लीज एग्जैक्ट मेथड लगाओ। तो क्या गिवन है, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 300% है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम क्या होगा। एक चीज का आंसर देना प्लीज, सपोज आपने मुझे 100 रुपए दिए इन्वेस्ट करने के लिए और मैंने आपको 20 रुपए कमा के दिए, तो मैंने आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट दिया, 20%। अभी सोच रहे हो 20 रुपए मिल गए 100 के पीछे, यार 20% प्रॉफिट हो गया। आपने मेरे को 100 रुपए दिए और मैंने आपको 30 रुपए कमा के दिए, तो कितना परसेंट हुआ प्रॉफिट, 30%। ऐसे ही है, आपने मेरे को 100 रुपए दिए, मैंने 50 रुपए कमा के दिए, 50%। 100 रुपए दिए, मैंने 100 के बदले में 100 दिए, परसेंटेज इंक्रीज 100% का मतलब पैसे का डबल होना, सिंपल है। ओके, मैंने आपको 300% पैसे कमा के दिए, तो बोलो 100 रुपए के बदले में कितना प्रॉफिट आया, 300 का प्रॉफिट आया। 100% का मतलब 100 के पीछे 100, 200% का मतलब 100 रुपए दिए थे, 200 रुपए बच गए, प्रॉफिट हुआ 200, और 300% का मतलब 300 रुपए का, लगाए 100 रुपए और बने कितने 300, तब आपकी कैपिटल कितनी होगी, 100 + 300 = 400, पैसे 400 हैं लेकिन 300 तो प्रॉफिट है, इंक्रीज है। चलो बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगर मान लो के है, 300% इंक्रीज होगी, बोलो कितने टाइम्स के है, 3 टाइम, ठीक है, तो आपके पैसे अब 3K हो चुके हैं, आपने के दिए थे, मैंने आपको 3K लौटा दिए, हिसाब क्लियर, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 2K का भाई, 2K का 200%, भाई हिसाब ठीक करो, घट्टे में जाओगे आप, घट्टे में रहोगे, के दिए थे मैं आपको 3K दे रहा हूँ वापस, के तो आप ही के हैं, एक्स्ट्रा तो 2K ही दे रहा हूँ, तो मेरे को कितने देने चाहिए, 4K भाई, 4K में के आपका, 3K मेरी तरफ से, तो कितने परसेंट हुआ, 300%। अच्छा कोई बात नहीं,
नहीं पसंद कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। पहले एनर्जी क्या थी? के। पहले एनर्जी क्या थी? के। अब नई एनर्जी क्या हो गई? के प्लस 300% ऑफ के। अब ठीक है, चेक करना कितना आ रहा है। अब ठीक है, 4K। अब ज्यादा ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, 4K। समझ में आ रहा है यहां तक? तो अब ये बताओ कि मेरे इस क्वेश्चन में केस नंबर वन में देखो, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? पी स्क्वायर बाय 2m। मोमेंटम क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई। तो ये केस नंबर वन है, ई की जगह के कर लेता हूं दादर मैं, यहां पे के, यहां पर भी के, ऐसे। ठीक है, तो के और ये के ऐसे। तो मोमेंटम की वैल्यू क्या? अंडर रूट ऑफ 2m के। कोई डाउट इसमें? केस नंबर वन। केस नंबर टू में, केस नंबर टू में मोमेंटम हो गया पी डैश, और 2 × m इंटू के की जगह कितना? 4K। तो मेरे को क्या निकालना है? ये निकालना है डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, पी डैश माइनस पी बाय पी इंटू 100। तो प्लीज यहां पी डैश की वैल्यू पुट कर लेना, 2 × 4K, पी की जगह अंडर रूट ऑफ 2 × m × k, पी की जगह अंडर रूट ऑफ 2 × m × k × 100। परसेंटेज निकाल लेना, आंसर आएगा कितना आ रहा है, कितना? 200%? नहीं, 200% तो नहीं आ रहा, 100% आ रहा होगा, 100% आ रहा है ना। पता है क्यों? इतना करने की जरूरत क्या है? ये देखो, पी डैश को लिखो, 4 का अंडर रूट बाहर आ गया तो 2। ठीक है, तो पहले मोमेंटम ये था, नया मोमेंटम ट्वाइस हो गया भैया, पैसे डबल हो गए, 100% बढ़ गए, तो सीधा ही 100% आंसर है। कर क्या रहे हो? डबल ही तो हुआ है, सॉल्व क्या करना है? समझ में आ रहा है यहां तक? देखो मैथ्स तो ये कहता है, पर सीधा ये कहता है कि 4 बाहर आ गया तो यानी कि ट्वाइस हो गया, ट्वाइस होने का मतलब डबल होना, डबल होने का मतलब 100% आंसर है। क्लियर है यहां तक? आंसर 100% आएगा। कोई डाउट इसमें?